पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव शुरू होते ही विवाद शुरू हो गया है। सोमवार को देर रात विश्वविद्यालय के छात्र नेता रंजीत सिंह श्रीनेत पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी, लेकिन भाग्यवश गोली उन्हें नहीं लगी और वे बाल बाल बच गए। इस मामले को लेकर छात्र नेता ने कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात रीढ़ साहब धर्मशाला स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय के पास गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता रंजीत सिंह श्रीनेत की गाड़ी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। उस दौरान छात्र नेता अपने एक साथी मनीष सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठे थे। संयोग अच्छा था कि किसी को गोली नहीं लगी। बदमाश गोली बरसाते हुए दीवानी कचहरी की तरफ फरार हो गए। गोली लगने से गाड़ी के बाईं तरफ पीछे का शीशा टूट गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने 4 राउंड गोलियां चलाई। गोली चलने की सूचना पर SP क्राइम अशोक वर्मा, CO कैंट प्रभात राय, CO क्राइम प्रवीण सिंह, कैंट इंस्पेक्टर चंद्र भान सिंह, कोतवाली इंस्पेक्टर गिरिजेश तिवारी, राजघाट थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तफ्तीश में जुट गए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गाड़ी से गोली का एक खोखा बरामद किया है। 2 गोली पीछे की सीट में धस गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता ने कहा कि चुनाव रंजिश को लेकर किसी ने गोली चलाई है, जिसकी तहरीर कैंट थाने में दे दी गई है। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा कि घटना की जाँच की जा रही है, विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। SSP ने बताया पे टिकट बंटवारे के लिए मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग से मैं निकल रहा था। मैं गाड़ी से निकल रहा था तभी कुछ मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए और मेरे बगल से आकर के मैं फायरिंग करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो मैं देखा कि पीछे देखा तब कोई नहीं था, तो मैं गाड़ी से निकल के फिर कार्यालय में भागा और कार्यालय में पहुँचा। उसके बाद कार्यालय के लोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया, उनके सूचना पर पूरी उत्तर गोरखपुर की पूरी पुलिस फोर्स आई थी और अब कार्रवाई कर रही है। कहाँ की ये पूरी घटना है? विद्यार्थी परिषद कार्यालय के बाहर की। विद्यार्थी परिषद कार्यालय के बाहर की। 12 बजे के आसपास। आपने FIR दर्ज करा? हाँ, मैंने लिखित FIR दर्ज करा दिया और SSP साहब ने मेरा FIR भी दर्ज कर लिया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या शंका कुछ जता रहे हैं, कौन लोग हैं, क्यों आपके ऊपर इस तरह? मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। छात्र राजनीति में बढ़ती लोकप्रियता को देख करके बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रही है, तो कोई भी ऐसा घटना करता था उस व्यक्ति का कोई नाम, कोई पहचान, कोई चिन्ह नहीं है। क्या मांग किया? मेरी मांग है कि मुझे न्याय मिले। जो मेरे ऊपर हमला किया है उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, बस। ये कल रात की घटना बताई जा रही है, बता रहे हैं कि कल रात में 12 बजे के आसपास जो ये व्यक्ति है, इनके द्वारा बताया गया कि कुछ 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा फायरिंग की घटना की गई। किसी को भी किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, सब मेडिकली सेफ हैं। इस संदर्भ में 307 का मुकदमा थाना कैंट में पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई है कि किस कारण से इनकी रंजिश थी और चीज़ें क्या प्रकाश में आई हैं, जानकारी के हिसाब से हम लोग अपने जो इनपुट्स हैं उस हिसाब से विवेचना कर रहे हैं और शीघ्र घटना का अनावरण किया जाए।